अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ईरान ठंडा पड़ चुका है तो आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। ईरान की स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। ईरान की नई चाल ये है कि ईरान, जी हाँ, खबर कंफर्म है कि ईरान सैकड़ों मिसाइलों को मूव कर रहा है अपने प्रॉक्सीज की तरफ। यमन हो, लाल सागर हो, या फिर इराक हो, इराक के अलावा सीरिया हो, खबर यह है कि ईरान बड़ी मिसाइलों को तेजी से अपने साथियों सहयोगी संगठन को ट्रांसफर कर रहा है। और बड़ी खबर इसके बाद ये भी आई कि ईरान अपनी सरजमीन से इसराइल पर हमला नहीं करेगा, बल्कि इसराइल के ऊपर ईरान दूसरे देश की जमीन का इस्तेमाल और अपने प्रॉक्सीज का यानी अपने समर्थक ग्रुप के द्वारा बड़ा हमला करेगा, जिसके लिए वो तैयारी कर चुका है और उनको हथियार भेज रहा है। वहीं इसराइल के इंटेलिजेंस का दावा है कि ईरान आने वाले समय में इसराइल पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है। वहीं इसराइल को मजबूत करने के लिए और ताकत उसकी बढ़ाने के लिए अमेरिका ने इसराइल से डील की है, जिसमें अमेरिका इसराइल को 25 F-15IA टाइप के मॉडल के एडवांस फाइटर जेट देगा। 25 फाइटर जेट यानी अमेरिका इसराइल को देकर इसराइल को और मजबूत करेगा। ये डील $5.2 बिलियन की है, लेकिन पैसे का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसराइल को खुद पहले अमेरिका मोटा पैसा देता है, फिर कहता है कि हम आपको हथियार बेचना चाहते हैं, फिर उसको हथियार बेच देता है, खुद का पैसा देता है और फिर कहता है हथियार हम खरीद दो। तो अमेरिका के दिए हुए ही पैसे से इसराइल अमेरिका से ही हथियार खरीदता है और ये सोचते हैं दोनों मिलकर कि हम पागल बना रहे हैं हम दुनिया वालों को, दुनिया वाले समझ नहीं रहे खेल हमारा। ये जो 25 फाइटर जेट हैं ये अभी इसराइल को नहीं मिल रहे हैं। 2031 से इसराइल को ये एडवांस फाइटर जेट मिलना शुरू होंगे। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सैयद अली खामनाई ने अपने नए भाषण में कहा है कि जो स्ट्रगल, जो शहादत गाजा, फिलिस्तीन और लेबनान में हो रही है, वो इससे मिटेंगे नहीं, बल्कि लेबनान और गाजा के लोग इससे और मजबूत होंगे। इन मुजाहिदात के अमरूज अल्हम्दुलिल्लाह با قوت و قدرت تداوم داره، هم در لبنان هم در غزه و فلسطین. این مجاهدت ها قطعا به دنبال خود پیروزی حق را، پیروزی جبهه حق را، پیروزی جبهه مقاومت را به دنبال خواهد داشت. این اون چیزیست که ما امیدوار هستیم و بر حسب اونچه که حالا انسان میفهمه از مجموع حوادث و همچنین از ترامپ کے جیت کے بعد ایران کے سب سے بڑے اخباروں نے اپنی ہیڈ لائن میں لکھا، اخبار دیکھ سکتے ہیں، کہ امریکہ ایک شیطان ہے اور امریکہ کے اندر کون راشٹرپتی بنتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ امریکہ کی نیتی ایران کے لیے کبھی چینج نہیں ہوتی۔ ठीक इसी बात को ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने रिपीट किया और कहा कि अमेरिका में कौन राष्ट्रपति बना इससे हमारी नीति नहीं बदलेगी, न उनकी नीति बदलेगी हमें लेकर। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के खतरनाक ऑपरेशन का वीडियो ईरान ने जारी किया है। ईरान ने बॉर्डर के इलाकों में, जो बलूचिस्तान के इलाके में, पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर आतंकी संगठनों को निशाना बनाया, उस ऑपरेशन का वीडियो जारी किया है, जिसमें ईरान की सेना खतरनाक मिलिट्री ऑपरेशन कर रही है, गिरफ्तार कर रही है और आतंकवादियों को कत्ल कर रही है। वीडियो अलग से इसलिए नहीं दिखा सकता हूं क्योंकि कॉपीराइट का पंगा पड़ जाएगा, लिहाजा शॉर्ट में आपको बता दिया और दिखा दिया है। ईरान ने पाकिस्तान के साथ मिलकर कामयाबी से आतंकवादियों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन किया और वीडियो जारी किया। हजरत मोहतरम, मैंने पहले ही कहा था कि ये अरब, तमाम के तमाम अरब अमेरिका इसराइल का ही साथ देंगे। लोग मुंह से हक देते हैं कि ईरान हमला क्यों नहीं कर रहा है, अरे ईरान को ये कदर है, तुम्हारा बाप, जितने तुम्हारे अरब बाप हैं उनमें से तुम्हारा कोई बाप कुछ नहीं कर रहा है,
बल्कि मैंने आपसे कहा था कि ईरान अकेला खड़ा भी हो जाए और ईरान को किसी की ज़रूरत भी ना हो, बस ईरान के खिलाफ ये जो अरब देश हैं अमेरिका इसराइल का साथ ना दे, ये न्यूट्रल हो जाए, मदद किसी की ना करें। लेकिन दोस्तों, जब खून गंदा हो तो फिर क्या हो, इन यजीद के बच्चों से आप क्या उम्मीद करें। पहले कतर ने अमेरिका के परमाणु बॉम्बर, 6 परमाणु बॉम्बर अपने मुल्क में ईरान के खिलाफ तैनात होने दिए। अब जॉर्डन ने अमेरिका के बेस के अंदर, यानी जो जॉर्डन में बेस है वहाँ पर अमेरिका के हथियारों को उतरने दिया है। अमेरिका ने जॉर्डन के अंदर और आसपास अरब देशों में अपने बेस पर हज़ारों की मात्रा में, बड़े मात्रा में हथियार ईरान के खिलाफ उतारे हैं और तमाम अरब देश चुपचाप देख रहे हैं। वहीं इसी तरह से सीरिया में अमेरिका के बेस पर अमेरिका ने भारी मात्रा में हथियार उतारे हैं। वहीं इराक के विदेश मंत्री ने यकीन दिलाया है दुनिया को कि हमारी सरजमीन का इस्तेमाल करके ईरान इसराइल पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि अगर ईरान ने ऐसा किया तो न चाहते हुए भी इराक, अमेरिका, इसराइल, ईरान के जंग के बीच फंस जाएगा। ट्रंप के जीतने के बाद ट्रंप के साथियों ने बड़ा दावा किया, कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद अब ट्रंप सीरिया में, जो सीरिया का बॉर्डर है, सीरिया और तुर्की का जो बॉर्डर है, उस सीरिया और तुर्की के बॉर्डर पर जो अमेरिका की फौज तैनात है, उस अमेरिकी फौज को डोनाल्ड ट्रंप सीरिया से निकाल लेंगे। वहीं ईरान का हाल बेहाल है, बहुत बुरा हाल है। ईरान की करेंसी इतिहास में कभी इतना नहीं गिरी थी जितना अब गिरी है। अब चौंकाने वाली खबर, हमारे सहयोगी जो ईरान में है उन्होंने और खौफनाक खुलासा किया कि भाई, जो गूगल पे बताया जा रहा है कि ईरान की करेंसी इतना गिर गई है, सिर्फ उतना नहीं, गूगल पे गलत बता रहे हैं, उससे भी कई गुना ज़्यादा गिर चुकी है। ये देखिए, अमेरिका का $1 ईरान का लगभग 70,000 रियाल है, 70,000 एक्चुअल में, यानी 69,400 रियाल मिलकर बनेगा सिर्फ $1। ईरान की करेंसी इतिहास में सबसे बुरी स्थिति में आ गई। ब्रेकिंग न्यूज में ईरान के स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और साथियों से भी करवाइए, ताकि कोई भी बड़ी खबर आपसे मिस ना हो। जय हिंद।